हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज जो है मैं शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग से आज मैं ब्लॉगिंग करूँगी क्योंकि है संडे और आज पूरे दिन मैं ब्लॉगिंग करूँगी और पार्ट बाय पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग आप लोग देखते नहीं हो, तो छोटा छोटा ही शेयर करूँगी। और बाकी दिन जो है मेरे पास बहुत कम टाइम मुझे मिलता है ब्लॉगिंग करने के लिए क्योंकि मेरे बेटे का क्लास रहता है और जितना टाइम वो उसका थोड़ा देर मोबाइल अगर ये रहे, क्लास बीच में गैप रहे तो मैं कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं जो है आज पूरा दिन जो है शूट करूँगी, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बीच बीच में जब भी मुझे अदर टाइम मतलब दूसरे दिन टाइम मिलता है तो मैं करती रहती हूँ। मगर लगातार जो है मैं कर नहीं पाती तो ये जो है मैं स्टॉक में रखती हूँ क्योंकि डेली ब्लॉग डालना तो ज़रूरी है ना आप लोगों के लिए। और देखिए अभी सुबह हो चुका है और वो जो बर्तन मैंने अभी सेट करके रखे हैं वो कल के रात के धुले हुए थे और सुबह उठते मात्र मैंने आलू चढ़ा दिया था। और बाहर की क्लीनिंग जो है मैं कर चुकी हूँ और आज है संडे, मैं बता दूँ तो आज थोड़ी ना एंजल जब छत पे खेलती है तो बहुत ज़्यादा जो है कचरा फैला के रखती है, तो कितने दिन से सोच रही थी जितना दूर उसने कचरा फैलाया हुआ है बस उतना ही दूर साफ करूँगी, पूरा छत में नहीं कर पाऊँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, फॉलो जरूर करके जाइएगा और प्लीज़ जो भी नए होंगे मेरे चैनल पर, ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आलू मैंने उबाल लिए हैं, अब इसे छील भी लिया है, इसमें नमक मिला के इसे मैश कर लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स है, तो आज संडे है और उनका नाइट ड्यूटी भी है और सेकंड शिफ्ट भी है, तो उसी अनुसार मुझे खाना भी बहुत बनाना पड़ेगा। और आज उनको जाना है गाड़ी ठीक कराने के लिए, मोटरसाइकिल बहुत दिन से पड़ा हुआ है तो आज मुझे कोई उनका हेल्प ही नहीं मिलने वाला। और ये देखिए ये जो है दूध और टोस्ट खा रही है तो ये बोलिए मैं मेरा मम्मी सूट मत करो बार बार आप करते हो, तो देखिए कैसे कर रहे हैं दोनों। तो प्लीज़ बने रहिएगा, फुल वॉच जरूर करके जाइएगा, काफ़ी छोटा ब्लॉग है। हाँ अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पर और ये जो फूल है ना इसके पत्ते वत्ते भी तोड़ के पूरा फैला के रखती है, पता नहीं नीचे से भी मिट्टी उट्टी ले आती है और यहाँ खेलती रहती है, तो कचरा ज़्यादा होने पर अच्छा नहीं लगता। और हमारी क्या छुट्टी और क्या नहीं छुट्टी, देखिए आज संडे है और हस्बैंड जो है चले गए हैं और हेल्प नाम का तो चीज़ नहीं है मेरे साथ, पूरा काम खुद करती हूँ, पूरा घर खुद संभालती हूँ, दो बच्चों के साथ सारा कुछ करना बहुत मुश्किल होता है मगर कर लेती हूँ क्योंकि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई मेरे साथ रहता नहीं है, तो अकेले हैं तो अकेले करना है। और रहा हाउस हेल्पर रखने की बात, तो वो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे लगता है कि 3,000-4,000 किसी को दूंगी, इससे अच्छा मैं खुद थोड़ा थोड़ा करके कर लिया करूँगी, तो वो पैसे जो बचेंगे तो मुझे मेरे बच्चों के लिए जो है कुछ ये हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो जिसको फैमिली संभालनी पड़ती है, चलानी पड़ती है, उसी को पता चलता है एक एक रुपया यानी एक एक पैसा कितनी कितना मुश्किल होता है बचाना और कितना मुश्किल होता है मेंटेन करना। तो देखिए सफाई चल रही है और बहुत ज़्यादा लेक्चर भी मैंने दे दिया है और देखिए जब झाड़ू कर लेने के बाद कितना अच्छा लगता है। और आप लोग
सोचते होगी ना, मेरे घर में ज़्यादा गमला यानी मिट्टी का ये सॉरी पॉट जो रखा रहता है। मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत शौक़ है फूल लगाने की, गमला लगाने की, तो हम लोग इसमें भी लगे हुए रहते हैं, हमेशा कुछ नया नया ला के लगाते रहते हैं। अभी इधर कुछ नया ला के नहीं लगाया मैंने, मगर सोच रही थी, मगर बजट में नहीं है, तो इसलिए इस बार जो है देखती हूँ बारिश तक लगा पाऊँ तो लगा पाऊँ, नहीं तो बारिश और ठंडी में ही जो है हम लोग पॉट लगाते हैं और बहुत सक्सेस भी हो जाता है, आसानी से लग भी जाता है। देखिए इधर की तो हो गई है पूरा, छत की सफाई मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत लंबा चौड़ा छत है, थक जाऊँगी करते करते। और नीचे भी आलू मैश करके मैं रख के आई हूँ, तो उसको भी देखना पड़ेगा, आके जाके मुझे लंच और डिनर दोनों का प्रिपरेशन करना है। तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग एंड वीडियोज़ में, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, खुश रहिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहें आप लोग, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।